हर व्यक्ति इस बात को जानता है, हर समस्या के दो समाधान होते हैं, हर समस्या के दो समाधान, भाग लो या भाग दो। या तो उसे चुनौती के रूप में स्वीकार करते हुए उसका सामना करो, उस प्रकार की कार्य योजना बनाओ और उसके समाधान के स्तर पर पहुंचाओ, जैसे कि 6 वर्ष के अंदर किया गया। और दूसरा है, जैसे नेता प्रतिपक्ष की सीट खाली है, भाग लो। और ये केवल यहीं पे नहीं हुआ है, अभी अभी भी आ रहा हूं, अभी तो ये शुरुआत है। अभी तो आप इतने बुजुर्ग हैं, इतने वरिष्ठ हैं, हम आपका बहुत सम्मान करते हैं। देखिए, आपका भी सम्मान करते हैं और शिवपाल जी का भी करते हैं। देखिए, उनको वहां सम्मान मिले ना मिले, हम तो करते ही सम्मान। और इसलिए आखिर इतने बड़े प्रदेश के प्रति हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी नहीं है? 25 करोड़ जनता के प्रतिनिधि के रूप में हम सभी सदन में बैठे हैं और ये जिम्मेदारी भी सामूहिक है। लेकिन क्या उस सामूहिक जिम्मेदारी के प्रति कभी हमने उस जवाबदेही को परिचय दिया? कल नेता प्रतिपक्ष कह ही रहे थे कि अगर आप दावोस गए होते तो हो सकता है 50 लाख करोड़ का प्रस्ताव आता। उनको विश्वास हो गया ना कि प्रस्ताव आ रहे हैं। लेकिन ये जो 33 से 35 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव आए हैं, ये भी जन विश्वास और सरकार की क्रेडिबिलिटी का ही प्रतीक है, ये उसी का प्रतीक है। क्यों नहीं आता था 17 के पहले और 2013 की उस वाकया को दुनिया थोड़े भूली होगी, जब कुंभ के बारे में एक प्रेजेंटेशन करने के लिए हावड़ विश्वविद्यालय गए थे और चचा जान को जो है तलाशी से गुजरना पड़ा था, उसके बाद लोग विश्वविद्यालय ही नहीं पहुंच पाए। प्रदेश की क्या स्थिति हुई थी? हमने प्रदेश को कहां पहुंचाया था? किसी एक फील्ड में उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने का प्रयास किया होता?